आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो आज है सैटरडे और हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। हाय लक्ष्य, हम लोग कार में बैठ गए हैं और जा रहे हैं हम सैन पाब्लो। हाय, सभी बजे है 12 दोपहर के और आपको भी दिख रहा होगा कि आज सन ही नहीं आया है, बिल्कुल भी सन नहीं आया है और ठंड भी ज़्यादा है, हवा भी ज़्यादा चल रही है। अभी बादल छा गए हैं, लगता है कि बारिश आने वाली है लेकिन बारिश नहीं आएगी आज। और हाँ, आज सन नहीं आया तो मुझे एक और भी बात याद आ गई कि इंडिया में तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि लोगों की डेथ भी हो रही है गर्मी के कारण। तो वहाँ पे आई थिंक टेम्परेचर 48 पे जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल भी सन नहीं आ रहा है, एकदम उल्टा एटमॉस्फेयर हो गया है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने यूएस का वेदर चेक किया तो इसमें दिखा रहा है वेदर में कि सन 1 बजे आएगा। तो हाँ, पक्का वो 1 बजे आएगा सन, लेकिन अभी ठंड भी है ज़्यादा और हवा भी ज़्यादा तेज़ चल रही है तो स्वेटर तो पहनना ही पड़ेगा। हाय बेबी, वेयर इज पापा बेबी? ओके, सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं ओपन फ्रेश फार्मर मार्केट और ट्रेडर्स जॉय की तरफ। तो चलिए आज मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, थैंक यू। और आज एटमॉस्फेयर भी ऐसा है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी काम है तो बाहर भी जाना पड़ेगा, तो चलिए जाना तो है ही हमें। और आज सैटरडे है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आपको देखेगा। अगर आप नॉर्मल डेज में आते हो तो आपको इतना सारा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन सैटरडे संडे के दिन ज़्यादातर ट्रैफिक रहता है। और जो आपको सामने हिल्स दिख रही है वहाँ पे घर भी है, तो मुझे हिल्स पे घर बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हिल्स पे भी घर बनते हैं, तो हाँ, हिल्स पे घर नहीं, होटल्स, घर और बहुत कुछ होता है हिल्स पे। तो चलिए फिर कभी हम लोग हिल्स पे भी विजिट करेंगे। कम बेबी, कम Nachu, Nachu, come. Mama is waiting for you. हम लोग पहुँच गए ट्रेडर्स जॉय, लेकिन हमने आज एक नई जगह देखी है ओपन फार्मर मार्केट। तो हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं पहले, तो वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे और वहाँ पर चीज़ें भी अच्छी होती हैं। अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं ओपन फार्मर मार्केट, जो बहुत ही अच्छा मार्केट है। और यहाँ पर ना जो आसपास में जितने भी फार्मर्स रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं अपनी चीज़ें लेकर और बेचते हैं, और काफ़ी अच्छी प्राइस में भी ये लोग बेचते हैं, तो अच्छा रहता है। और आज सैटरडे है तो और भी अच्छा रहेगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ से शुरू हो रहा है ओपन फ्रेश फार्मर मार्केट। सो ये है फार्मर मार्केट और आज मैंने पहली बार इस मार्केट की विजिट की है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, आप भी देख लीजिए और आप भी एक बार जाके विजिट करिए, आप यूएसए में हैं तो। तो यहाँ सस्ता है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन वेजे है और इसमें भी सबसे अच्छी बात यही है कि सब फ्रेश वेजे है। जो यहाँ पे आसपास में जितने भी फार्मर्स रहते हैं वो सब अपने अपने जो भी वेजे अपने खेत में पकाते हैं वो सब यहाँ पे लेके आते हैं और बहुत ही अच्छी सी प्राइस में यहाँ पे बेचते हैं। और हाँ, लोग भी ज़्यादा यहाँ से ही ख़रीदना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें फ्रेश होती है। जो यहाँ पास में है ट्रेडर्स जो, लेकिन वहाँ पर चीज़ें होती है लेकिन उसमें कैसा होता है कि सब चीज़ें जो होती है वो इतनी फ्रेश भी नहीं होती है और फ्रोज़न होती है। तो यहाँ पे तो हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो हम लोग यहाँ से ही लेना पसंद करेंगे। और क्वांटिटी भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है फ्रेश मार्केट। तो आप भी ज़रूर जाइए और विज़िट कर कीजिए और अपने हेल्थ के बारे में भी सोचिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप यहाँ से ही ख़रीदी करिए, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं वो सब।
जी फ्रेंड्स, इस ओपन फार्मर मार्केट के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैंने आज पहली बार ही विज़िट किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही फ्रेश मिल रही है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, तो वो ज़्यादातर फ्रोज़न मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सब फ्रेश ही फ्रेश था और क्वान्टिटी में भी बहुत ही अच्छा था और प्राइस भी कम थी, तो मुझे मार्केट बहुत अच्छा लगा है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप भी यहाँ पे US में है, तो आप ज़रूर जाइए और नज़दीक में आपके नज़दीक में जो भी फार्मर मार्केट है वो विज़िट कीजिए। थैंक यू। ले जाने you. लोगों ने ओपन फार्मर्स मार्केट की विज़िट की और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सस्ते में भी थी और बहुत अच्छी थी, यानी कि सब चीज़ें फ्रेश थी, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। लेकिन हम लोग लेट हो गए थे, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिली। ये वाले ऑरेंज बहुत ही अच्छे आते हैं, ये वाले स्वीट होते हैं ऑरेंज, तो अनुक्ष को भी बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, अभी ट्रेडर्स जॉय में और यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें भी लेनी है। अभी चीज़ें होती है बनाना वेफर्स, जो हम लोग ट्राई करने के लिए देते हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं।